हलचल टीवी न्यूज। अमृतसर कोर्ट में पेशी के दौरान जालंधर से अमृतसर लाए गए दो कैदी पुलिस के अधिकारियों को जूस में बेहोशी की दवा मिलाकर वहां से भागने में कामयाब हो गए। वहीं अमृतसर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए कैदी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों को अमृतसर के सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस अधिकारी सुखविंदर सिंह रंधावा ने जानकारी देते हुए बताया कि अमृतसर कोर्ट में दो कैदियों को, जिनका नाम गुरबेज सिंह और विनोद कुमार, जालंधर की जेल में पेशी के दौरान यहां पर लाया गया था और दोनों कैदी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए थे। वहीं एक कैदी को कोर्ट में से ही गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरे अमृतसर में रेड अलर्ट कर दिया गया है और दूसरे आरोपी को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साढ़े को चार मुलाजिम आए ने बेहोशी के हाल में है, उन्होंने कुछ नशे की चीज़ मतलब किसी ने खाधी है जो खा गया है, हूँ इस टाइम खतरे तो बहर है। एक महेंद्र सिंह ने, सैमुअल मसीह, जनक राज, विजय कुमार, ये पुलिस इन्होंने लैके आए थे नाल मुलाजम इन्हों जे कोई वो दो मुलजम ही गुरभेज सिंह विनोद कुमार पत्रिका के रहने ही, इन्हों कपूरथला जेल तो पेशी की पटीशन शाहजहाँ जी कोर्ट च लैके आए ही। कोर्ट तो त्रीह भुगत बाद आए मुलाजम इतने कोटर से रोटी खाण डे पे, रोटी खाने तो बाद उन्होंने जोड़े दोषी के नाल बंदे है उन्होंने उन्होंने कहा जूस लैके आए, तो मुलाजमान ने जो दो डब्बे जूस लैके आए, एक तो उन्होंने मुलाजमान पियाता, एक उन्हें आप ही लिया। जोड़ा मुलाजमान ने जूस पियाई उन्हें कोई जहरीली चीज़ पाई ही, जिस मुलाजम को पाँच सत्त मिनट के आस्ते आस्ते बेहोश हो गए। जदों बेहोश हो गए तो उन्होंने जोड़ा एक दोनों मुलजमे इतों जो मुलाजमान की कस्टडी चो फरार हो गए, तो फरार होने तो बाद जो कंट्रोल रूम से तला दी कमिश्नर साहब की हदायतों रेड अलर्ट करता। इस तो बाद जोड़ा एक मुलजम अं जो विनोद कुमार उतों कचहरियों बहर निकलते हुए काबू कर लिया, तो दूजा गुरभेज सिंह जो फरार है मगर पुलिस पार्टियां लाइया जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। मुलाजमान की लापरवाही तो हैगी है, जो पेश होने तो बाद नहीं हराना चाहिए, रोटी नहीं खानी चाहिए। जो सीनियर अफसर बार बार कहें भी इन्हों कोर्ट तो बाद इन्होंने वापस लैके जाओ, नगरी एजेंसी तो हैगी है जो एक बार होटल से जाके उन्होंने रोटी खाण डे जूस पीण डे, उन्होंने खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उन्हें खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से हलचल टीवी के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट। हलचल टीवी न्यूज़।